कविताएं जहां जी चाहे वहां रहती हैं, कभी नीले आसमान में, कभी बंद खिड़कियों वाली सकरी गली में, कभी पंछियों के रंगीन परों पर उड़ती हैं कविताएं, तो कभी सड़क के पत्थरों के बीच यूं ही उगाती हैं। कविता के अलग अलग रूपों को समर्पित है हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला प्रतिदिन एक कविता। कीजिए एक नई कविता के साथ अपने हर दिन की शुरुआत। आज हम सुनेंगे कुमार अंबुज की कविता एक स्त्री पर कीजिए विश्वास, चंद्र प्रभा की आवाज में। जब ढह रही हो आस्थाएं, जब भटक रहे हो रास्ता, तो इस संसार में एक स्त्री पर कीजिए विश्वास। वह बताएगी सबसे छिपाकर रखा गया अनुभव, अपने अंधेरों में से निकाल कर देगी वही एक कंदील। कितने निर्वासित, कितने शरणार्थी, कितने टूटे हुए दुखों से, कितने गर्वीले, कितने पक्षी, कितने शिकारी, सब करते रहे हैं एक स्त्री की गोद पर भरोसा। जो पराजित हुए उन्हें एक स्त्री के स्पर्श ने ही बना दिया विजेता। जो कहते हैं कि छले गए हम स्त्रियों से, वे छले गए हैं अपनी ही कामनाओं से। अभी सब कुछ गुजर नहीं गया है, ये जो अमृत है, ये जो अथाह है, ये जो अलभ्य दिखता है, उसे पा सकने के लिए एक स्त्री की उपस्थिति, उसकी हंसी, उसकी गंध और उसके उफान पर कीजिए विश्वास। वह सबसे नई कोपल है और वही धूल चट्टानों के बीच दबी हुई एक जीवाश्म की परछाई। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की यह प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।